नमस्कार, मैं हूँ रानी रूहल और मुलाकात के हमारे आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं फूड किंग के फाउंडर और सीईओ सरद बाबू। सरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सर जी। सबसे पहले हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आपके बचपन से फूड किंग तक का सफ़र कैसा रहा। मेरा बचपन चेन्नई में हुआ है और मेरे साथ दो बड़ी दीदी और दो भाई, छोटा भाई था, और हम पांच लोग था। और मेरा माता जी ने आंगनवाड़ी में काम करती थी और तब तो 1 रुपया का सैलरी था एक दिन। तो उधर से मेरा मम्मी अकेला थी तो हम पांचों को संभालती थी। तो उधर से हमको क्या खाना पीना और हमारा कपड़ा और हमारा एजुकेशन सब करना बहुत मुश्किल था। तो फिर भी मेरा मम्मी ने उसका एक चैलेंज लेके ऐसा सोचा, हमारा बच्चों को अच्छा लाइफ देना, अच्छा पढ़ाई देना करके। वो एक दिन में तीन काम, चार काम करती थी। सुबह जल्दी उठ के इडली का दुकान, छोटा सा दुकान हमारा हट के बाहर रखती थी, और उसके बाद 10 बजे से 2 बजे तक आंगनवाड़ी में काम करती थी। शाम को जो स्लम में जो एजुकेशन मिस किया हुआ बच्चा लोग को वो पढ़ाई करती थी। और वीकेंड्स पे जब शनिवार और संडे होता है तब वो हेल्थ सेंटर पे काम करती थी। जैसे इतना कष्ट उठा के हमको मेरे को IIM तक पढ़ाई तक लाया है, और तो उसमें बहुत सारा मुश्किल मेरा मम्मी फेस किया है। तब आपने कब ये सोचा कि आपको फूड किंग जैसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना है? इंडिया में 30 करोड़ लोग एक दिन जब वो सोने के लिए जाता है खाली पेट में जाता है जी। तो फिर मैं मेरा लाइफ, मेरा मम्मी का लाइफ रिलेट किया, हमारा जैसा इतना लोग है इसका सॉल्यूशन क्या है। अभी भी इतना लोग है, 50 साल हो गया फ्रीडम मिलके, अभी भी 30 करोड़ लोग बिना पेट, खाली पेट में जा रहे हैं, क्या क्या और उसका सॉल्यूशन है। फिर सॉल्यूशन आया बिजनेस करना। तो मैं सोचा मैं 1 लाख लोग को जॉब दे दूं और बाकी बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स को मोटिवेट करूँ बिजनेस में। ऐसा एक ड्रीम आया मेरे को, वही ड्रीम पे एक कंपनी शुरू करना, वही ड्रीम पे मैं गया। और दो साल खत्म फिनिश होने के बाद जैसा हमारा मम्मी ने छोटा इडली शॉप रख के हमको अच्छा सा देखा है, हम वही बिजनेस में हम करना करके मैं फूड बिजनेस में 2000 रुपया में अहमदाबाद में चालू किया है। और ये 2000 रुपये में पहले जब मैं स्टार्ट किया है वो एक स्मॉल छोटा सा सॉफ्टवेयर कंपनी में, बहुत सारे लोग बुला रहे था लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था। मेरा सब फ्रेंड्स जॉब लेके चला गया, सिर्फ मैं था। लेकिन मैं 10 साल पहले सोचा है हमारा बारे में सिर्फ नहीं सोचने का, हमारा ड्रीम को परस्यू करना करके, बाद में हम बहुत अच्छा हो जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस मेरे पास था। तो इसलिए मैं वो सॉफ्टवेयर कंपनी में 100 लोग था, 100 लोग का चाय कॉफ़ी का ऑर्डर मिला है। तो एक दिन मेरे को 30,000-25,000 का सैलरी मिलेगा अगर मैं फॉरेन गया तो, लेकिन एक दिन एक चाय तो 4 रुपया का, मैं 100 चाय सुबह और 100 चाय कॉफ़ी शाम को, 800 रुपया मेरा फर्स्ट टर्नओवर था। तो उधर से मैं जब स्टार्ट किया थोड़ा बहुत डेट लिया, और 6 महीने जब ये सब डेट लिया मेरे को सिर्फ वो ऑपरेशन चलाने के लिए पैसा था, लेकिन वो डेप्ट पे करने का मेरे को ये मौका नहीं था। तो फिर मैं बॉम्बे गया, उधर एक बहुत बड़ा आलम नहीं था हमारा कॉलेज में जो पढ़ाई किया, उनका कंपनी अहमदाबाद में, उनको अपॉर्चुनिटी पूछने के लिए गया, लेकिन मेरे पास 200 रुपया ही था। तो मैं रिटर्न का ट्रेन मिस किया, मेरे पास और कुछ पैसा नहीं था। फिर मैं प्लेटफॉर्म में सोया, ये वो रात मेरे पास पैसा नहीं था, और रिटर्न टिकट कैंसिल करके रिफंड करके ये 200 रुपया रख के फिर अगले दिन का ट्रेन का टिकट लेके फिर वापस आया। फिर और स्ट्रगल किया और मेहनत किया, फिर मेरे को धीरे धीरे बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट्स मिला है। और अभी
हम 300 लोग मेरे पास काम किया, एक लड़का से मैं स्टार्ट किया, मेरा वो भी पार्ट टाइम लड़का रख के स्टार्ट किया, वो अभी भी मेरे पास काम कर रहा है और 10 साल हो गया है, अभी 10 करोड़ के ऊपर हम बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स, वो अगर कहीं पे हो, विलेज पे हो या टाउन पे हो या सिटी पे हो, अगर वो बिजनेस स्टार्ट किया इंस्टेड ऑफ जॉब दूसरे MNC से जाके जॉब दे दो ऐसा पूछने के बिना, वो खुद का स्टार्ट किया, वो मेरे जैसा वो भी बहुत सारे लोग को जॉब दे सकता है। तो उसके लिए हम पूछा तो उनका पहला एक स्ट्रगल पॉइंट है फिनेंस, हमारा पास फाइनेंशियल नहीं है ऐसा करके। और दूसरे पॉइंट है हमको गवर्नमेंट कैसा हेल्प करता है, उसका क्लाइमेट है नहीं है। अगर हम ऑफिस, एक गवर्नमेंट ऑफिस में आया, 10 साल पहले हम गया, 5 साल पहले हम गया, हमको बिजनेस चालू करना है, अगर एक यूथ है तो सब हंसेगा। लेकिन आज कोई ऑफिस में, कोई जहां पे इंडिया पे गया, हम बिजनेस स्टार्ट करना ऐसा एक 25 साल का एक यूथ जाके पूछा तो कोई नहीं हंसेगा, उनको मालूम है ये प्रधानमंत्री से वो आ रहा है, तो यही रास्ता है, वो विजन है, तो वो मालूम है। वो क्लाइमेट अभी बहुत अच्छी तरह हो गया, वो नेशनल लेवल पे वो एक ये हो गया, इमेज हो गया करके हम सब बिजनेस स्टार्ट करना है और मेक इन इंडिया, इंडिया में सब मेक करना है, ये सब हो गया। मैं 2010 में US में गया, ओबामा गवर्नमेंट का इनविटेशन में 40 दिन का प्रोग्राम था। जब मैं उधर वॉलमार्ट और भाई बहुत सारा जब शॉप में देखता है, पूरा 90% का प्रोडक्ट्स चाइनीज प्रोडक्ट्स था जी। मैं कुछ भी नहीं खरीदा, मैं क्यों चाइनीज़ का प्रोडक्ट इधर आके खरीदूँ, मैं कुछ नहीं खरीदा, वापस आ गया। लेकिन मैं तब सोचा है चाइना और इंडिया क्या प्रॉब्लम है, दोनों पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारा पास भी वो लेबर है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं है, तो वो हमारा प्रोडक्ट इधर मैन्युफैक्चर करना है, वो तब सोचा। लेकिन आज वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम में वो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा लाया है, सबको मन हो रहा है क्या मेक इन इंडिया है, हम भी क्या मेक कर सकता है, वो एक हो रहा है, वो सोच आ गया है। तो ये सब एक छोटा इंडिविजुअल इधर उधर नहीं कर सकता है, वो ऊपर से वो प्रधानमंत्री हो, गवर्नमेंट हो, वो कर रहा है, तो बहुत अच्छा बात है। 5 साल 10 साल में हमारा कंट्री ऐसा हो जाएगा, सब इतना सारा एंटरप्रेन्योर्स हो जाएगा, मेरे को बहुत इसमें बहुत खुश हो गया है जी। 2006 में जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था और अब 2016 चल रहा है, तब के एनवायरनमेंट में और अब के एनवायरनमेंट में आप कितना फर्क देखते हैं, कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो अब उसको कुछ हेल्प मिल सकती है क्या? हाँ, ये मुद्रा स्कीम में मैं देखा है, उस समय में 2000 रुपये से स्टार्ट किया। अगर मुद्रा स्कीम 10 साल के पहले होता तो मैं मिनिमम 50,000 रुपये कुछ भी नहीं मैं ले सकता था। तो इतना फर्क हो गया, 10 लाख तक आराम से फंड्स मिलता है। तो एक मैं जैसा बोला है, यही बहुत आइडियाज़ बहुत सारे लोग के पास है, यूथ के पास है, लेकिन वो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हमारा कंट्री में बहुत सारा लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और बहुत गरीब से आता है, तो उनके पास पैसा नहीं होता है, 1 लाख 2 लाख नहीं होता है, तो इसके वजह से ये स्कीम बहुत अच्छा स्कीम है। मोदी जी कहते हैं कि जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर आप बने, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जब मैं अहमदाबाद में अपॉर्चुनिटीज नहीं था, मैं छोटा छोटा अपॉर्चुनिटीज में मैं कर रहा था, मेरे बारे में उस समय पेपर्स में बहुत सारा पेपर्स में आया है, और शायद मोदी जी ने पढ़ा होगा, और तुरंत उनका चीफ सेक्रेटरी तो मेरे को बुलाया, और मेरे को वो गुजरात सचिवालय में खाने का कैफेटेरिया का अपॉर्चुनिटी दिया। तो मैं 3 साल गुजरात कैबिनेट का वो मीटिंग्स वगैरह वगैरह सब वो उसका हम खाना दिया है। तो मैं एक यूथ था, मैं कुछ भी नहीं था उस समय, और जब मैं जॉब देने के लिए चाहता है, 9 साल पहले ही मोदी जी ने वो ये हेल्प किया है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया है, और उस समय ये
ये कुछ पेपर में भी नहीं आया है, लेकिन क्या है वो अभी नहीं है, शुरुआत से उनका ये है यूथ को जॉब सीकर्स नहीं बना, जॉब गिवर्स बनाना चाहता है। हमारा कंट्री में अगर जॉब सीकर्स हो बहुत सारे, बहुत करोड़ करोड़ लोग हैं, और जॉब देने वाला लोग है सिर्फ एमएनसी दे सकता है, सिर्फ ये बड़ा बड़ा बिजनेसमैन दे सकता है, ऐसा एक माहौल है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हर लेवल पे जॉब दे सकता है ऐसा एक आइडिया बन गया है, तो उसके रास्ते में ही मोदी जी ने डेवलप करना चाहता है। बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हर जहाँ पे है, यूथ का प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये स्कीम, ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा स्कीम्स, ये सब हर यूथ यूज़ करना है, और जितना लाखों एंटरप्रेन्योर्स मैरिज ऐसा होना है वो उतना आने का, तो वही मेरा इच्छा है। आपको क्या लगता है कि 2 साल में अगर इतना कुछ हो सकता है, 2 साल से भी कम में बल्कि अगर इतना कुछ हो सकता है, तो 5 साल बाद आप इंडिया को कहाँ देखते हैं? 2 साल में इतना किया है, पूरा वर्ल्ड को मिला गया है, हर लीडर्स का सपोर्ट का सीखा है, और क्योंकि एक कंट्री आजकल तो ग्लोबल स्टेज में एक इम्पोर्टेंस रहने का, और हम अकेला सब कुछ नहीं कर सकते है। अगर जर्मनी हो वो कार्स में, वो स्किल्स में बहुत एक्सपर्ट है, और अमेरिका हो वो इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट है, अगर जापान हो वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, सो सबका एक्सपर्ट 2 साल में पूरा देश को, पूरा वर्ल्ड को जाके, सब देश को मिलके उनसे क्या अच्छा हमारा कंट्री को ला सकता है, वो सब अभी उसका क्लाइमेट हो गया है। और ये हमारा देश में भी ये इसका कैंपेनिंग इसका बोल चुका है, ये स्कीम्स है करके, तो ये जब सब जब यूनाइट होता है इसका इफेक्ट मैनिफोल्ड होगा, तो जो डेवलपमेंट हमको पहले नहीं हुआ ये इतना फास्ट होता है, फास्ट फॉरवर्ड मोड में हमारा कंट्री अभी फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ गया है। तो मेरे को लग रहा है कम से कम 1 करोड़ से 2 करोड़ नया एंटरप्रेन्योर्स स्कीम्स में नया आएगा। अगर एक लोग एवरेज 10 लोग का जॉब दिया तो भी कम से कम 10 करोड़ का जॉब्स इसमें होगा। जी, जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एक ये तो एक जापनीज बैम्बू ट्री जैसा है, तो वो जापनीज बैम्बू ट्री है, पहला 6 साल क्या होता है वो 6 इंच ही ग्रो होता है, और तब तक वो 6 साल क्या करता है, उसका रूट्स पूरा डेवलप करता है, पूरा नीचे डेवलप करता है, और अगले 6 महीने में क्या होता है वो 90 फुट ग्रो होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जैसा ही है, क्योंकि पहले शुरुआत में बहुत मुश्किल होगा, मैं जैसा बोला है मेरा 1 दिन का प्रॉफिट भी नहीं मिलता है, 100 चाय और कॉफ़ी में स्टार्ट किया, आजकल मैं 10,000 से ऊपर मील्स दे रहा हूँ 1 दिन में, तो शुरुआत में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप समझना चाहिए वो मुश्किल के बाद 2-3 साल के बाद एक अच्छा एक कंपनी आएगा, अच्छा हमारा सिर्फ हमारा नहीं हमारा एम्प्लॉयज़ का लाइवलीहुड बन जाएगा। तो उसके हिसाब से बहुत पेशेंट रहे, बहुत डिटर्मिनेशन रहे, बहुत फोकस रहे, और फोकस रहना बहुत आवश्यक है। मैं 27 ईयर्स में स्टार्ट किया मेरा बिजनेस, 26-27 में स्टार्ट किया, तो अगर मैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट टाइम है, अगर वो टाइम हम वेस्ट नहीं करना है, वो आने वाला 25-30 साल का वो एक फाउंडेशन है, हमारा मम्मी, हमारा बहन, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी लोग इतना कष्ट में है, उसको कैसे हम हंगर से आज़ादी कर सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट में आज़ादी कर सकता है, और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें हमारा सोच जाना चाहिए, और वो फोकस कभी हटना नहीं चाहिए, इसी में रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सरद बाबू जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।